गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत बढ़िया, आई होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हिमांशु उपाध्याय, यू गाइस आर वाचिंग यंग लिफ्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको हाईली रिच प्रोटीन फूड्स बताने वाला हूं जो बहुत ही चीप कॉस्ट में आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। सो गाइस, प्रोटीन जब हमारा मसल बिल्डिंग होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है हमारा गोल, तब प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में, रिकवरी में, लीन मसल बिल्डिंग में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। सो प्रोटीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पूरे डे में मिलना ज़रूरी ही होता है, ताकि हम अपनी प्रोसेस हमारी मसल बिल्डिंग की चलती रहे। बट हम आज के दिन में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रोटीन। इसका रीज़न एक ही है कि हमारे पास उतनी कॉस्ट नहीं होती कि हम प्रोटीन अफोर्ड कर पाए। ये बहुत सारे लोगों का रीज़न होता है। सो बेसिकली ये रीज़न नहीं है, ये सच्चाई है। सो इसी के लिए मैंने आपके लिए चीप फूड्स जो होते हैं, जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हम बेसिकली रेगुलर उन्हें यूज़ कर सकते हैं और हमको बहुत ही लो कॉस्ट पे वो मिल भी जाते हैं, ऐसे मैंने छः जो वेज डाइट फूड्स रखे हैं आपके लिए और 2 ऑप्शन रखा है मैंने नॉन वेज का, ताकि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन बन जाए नॉन वेज, और वेज तो वो कंजप्शन कर ही सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में जो भी मैंने डाइट रखे हैं चीप कॉस्ट हैं और आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे किसी भी शॉप पे। सो इनकी कंजम्पशन बहुत अच्छी है और इनसे आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा और ये आपकी डे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देंगे। सो वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। पर 100 ग्राम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर 100 ग्राम के हिसाब से कितना प्रोटीन मिलता है हर चीज़ पे। तो वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। सोयाबीन, सो गाइस 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन अराउंड 15-20 रुपीज़ का मिल जाता है। बट अगर हम अच्छी कंपनी का सोयाबीन 1 kg का पैकेट खरीदें तो वो हमें 180-190 रुपीज़ का पड़ जाता है, जो अराउंड हम अगर 100 ग्राम्स के हिसाब भी इनटेक करें तो हम 10-12 दिन तक उसे यूज़ कर सकते हैं। और हमें 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन पे अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हैं जो हमें एक ही फूड से 100 ग्राम में मिल जाता है। और इसके साथ आप सोयाबीन से बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे सोया चंक्स हो गए, टेस्ट में भी अच्छा होगा एंड आपको अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी प्रोवाइड कर देगा। पनीर, सो गाइस 100 ग्राम्स ऑफ पनीर हमें 30-40 रुपीस में मार्केट में मिल जाता है एंड ये हमें अबाउट 10-12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जब नाम आता है पनीर का तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि पनीर को हम कैसे भी इनटेक कर सकते हैं। या तो हम ऐसे ही पनीर खा सकते हैं विदाउट किसी चीज़ में, पनीर को हम सैलेड के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो ब्राउन ब्रेड में भी उसे फोल्ड करके खा सकते हैं या उसकी सब्ज़ी भी खा सकते हैं। तो पनीर के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और पनीर बेसिकली बहुत बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन इनटेक का। सो ये तो आप रोज़ ही कर सकते हैं और पनीर आप परचेज़ कर सकते हैं, बस 30-40 रुपीज़ का ही है, कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है इसकी। डबल टोन मिल्क, सो गाइस डबल टोन मिल्क हमें अराउंड 25 रुपीज़ का मिल जाता है और मिल्क तो सभी पीते हैं आज के दिन में, इजीली अफोर्डेबल भी होता है और कोई भी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, तो सारे ही यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको अराउंड 25 रुपीज़ का डबल टोन मिल्क आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप ये सोने से पहले पिए, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ओट्स इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी शॉप पे, 15-20 रुपीज़ का इसका मिनी पैक भी आता है एक ओट्स का, जो आपको अराउंड 100 ग्राम्स में 15-20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 kg का पैकेट ही खरीद लें, वो 150-200 या 100-150 के बीच में आपको मिल जाता है मार्केट में। ये ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्टिंग आती है, बट जो मिनी पैक्स होते हैं वो आपको एक ही दिन यूज़ कर पाएंगे, बट जो वो 1 kg का आप ले लेंगे वो 10-12 दिन के लिए आपको ईजिली आपको 100 ग्राम्स के अराउंड से प्रोवाइड कर देगा, कम से कम 10-15 दिन। और ओट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन इंटेक के लिए, 15-20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा 100 ग्राम में, इससे अच्छा क्या होगा। और इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। बेसन, सो गाइस अगर देखा जाए तो बेसन की कॉस्टिंग आती है 1 kg के अराउंड 80-90 रुपीज़, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है किसी शॉप पे। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि 100 ग्राम्स ऑफ बेसन आपको अराउंड 20-22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है एक बारी में। और बेसन से आप चिल्ला भी खा सकते हैं बना के, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए भी। सो बेसन को मिस आउट ना करें। पीनट बटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी होता है पीनट बटर, और पीनट बटर एक अच्छी अमाउंट में हमें प्रोटीन भी दे देता है। सो अराउंड पीनट बटर जो हमारा आता है 50-70 रुपीज़ का 100 ग्राम का जो बॉटल आता है छोटे वाला, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि 250 ग्राम्स वाला या 1 kg वाला लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और वो ज़्यादा दिन भी चलेगा। सो अगर 100 ग्राम्स के हिसाब से हम देखें पीनट बटर,
तो हमें अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पीनट बटर प्रोवाइड कर देता है। और पीनट बटर के साथ पीनट बटर हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी कर सकते हैं, या तो हम उसे ब्राउन ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं और रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं, या ऐसे ही एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून ऐसे भी खा सकते हैं। तो पीनट बटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, डिलीशियस भी है और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है और इजीली आपको किसी भी शॉप पे अवेलेबल भी हो जाएगा। अब बात आती है नॉनवेज की, तो नॉनवेज में फर्स्ट ऑप्शन जो हमने रखा है वो है चिकन ब्रेस्ट। ये अराउंड आपको 35-40 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाता है और लोग सोचते हैं कि चिकन का नाम आते ही सोचते हैं कि महंगा होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पनीर के कॉस्ट के इक्वल रहता है। और आपको खाली लेना है 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, जो आपको अराउंड 27-31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा। आप 30-35 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके उसके बदले आपको 27-31 ग्राम अराउंड ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही होगा। तो चिकन ब्रेस्ट को मिस आउट ना करें जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं। एग्स किसी भी शॉप पे इजीली अवेलेबल होते हैं। सो एक एग हमें अराउंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और अगर हम एग्स देखें तो 5-6 रुपीस के हमें एक एग मिल जाते हैं। अगर 6 रुपए के हिसाब से लें तो 36 रुपीस के 6 एग्स आते हैं, एंड एक एग के हिसाब से लें तो हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 6 अंडे हम खाएं तो 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिल जाता है एग से। जितने पैसे हमने दिए उतने हमने प्रोटीन गेन कर लिए, वही बात है, गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है एग्स के साथ। तो एग्स तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, एग्स और चिकन ब्रेस्ट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो इसे नॉन वेजिटेरियन मिस आउट ना करें। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट फूड्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ही लो है, जैसा कि आपको मैंने बताया इनकी प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा है और प्राइस बहुत कम है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। सो ये सारे फूड्स ज़रूर अपनी लाइफ में, अपने गोल्स में, अपनी मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में इसे ऐड करें, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी देंगे। सो गाइज, मेरी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है, ओवर होती है, कंप्लीट होती है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो में कैसा लगा आपको, और कोई और टॉपिक भी बताना जो भी आपको डाउट हो या पूछना हो कुछ। और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी ज़रूर क्वेश्चन करना, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी।